1 जुलाई को आई भीषण बारिश के चलते मुनस्यारी और धारचूला में आपदा की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद प्रशासन राहत और बचाव के कामों में लगा हुआ है। आपदा में 6 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। शेष 4 लोग अभी भी लापता हैं। जिले में बड़ी संख्या में मकानों और विभागीय संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। लोगों को राहत देने का काम लगातार जारी है। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में अभी भी 16 सड़कें बंद हैं, जिसके कारण धारचूला की दारम, व्यास और चौदास घाटी में कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है। आपदा के कारण बहे पुलों को भी रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है, जिसमें कि अभी और भी समय लगना है। वहीं पेयजल और बिजली विभाग की लाइनों को करीब 90% रिस्टोर कर दिया गया है। प्रशासन अभी भी 236 लोगों को राहत शिविर में रखकर खाना खिलाने का काम भी कर रहा है। सभी विभाग और SDRF की टीम के साथ राहत और बचाव के काम में अभी भी जुटे हुए हैं। अभी तक 2 लोगों का पुष्टि हुई है, बाकी 4 लोग अभी भी लापता हैं। तो इसके अलावा जो है काफ़ी मात्रा में मकानों का क्षति हुआ है, कुछ विभागीय परिसंपत्तियों का क्षति हुआ है, खेतों का क्षति हुआ है। उसका राहत वितरण बहुत त्वरित गति से दिया जा रहा है। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।